हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज के बारे में सीखेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है ये CSS 3.0 वर्जन में आई है और देखते हैं इसके अंदर अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हैं। इसके पास हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है ऑटो, आप दो ना दो ये ऑटो ही होती है। आप पिक्सल में भी बैकग्राउंड का साइज दे सकते हैं, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और दो एक नई प्रॉपर्टीज हैं, एक कवर और एक कंटेन। आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं करना कैसे है। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने एक अपना HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है, टाइटल भी हमने सेट कर दिया है। हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग है और एक बॉक्स है डिव जिसपे ID लगा हुआ है बॉक्स, और उसमें एक डमी पैराग्राफ है। यहाँ पे हमने बॉक्स की एक हाइट और विड्थ दे रखी है, पैडिंग दी है, बॉर्डर दिया है और बैकग्राउंड में कलर दे दी है। ये देखिए, ये देखने में कुछ ऐसा है। अब इसमें हम अपनी जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज उसको देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर अपनी एक बैकग्राउंड इमेज सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा इमेजेस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे है फ्लावर एक इमेज जिसकी एक्सटेंशन है .jpg। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने लिखा फ्लावर .jpg, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड रिपीट भी लगा दिया और इसमें दे दिया नो रिपीट। अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये इमेज पहले दिख कैसे रही है विदाउट बैकग्राउंड साइज के। ये देखिए, ये बैकग्राउंड साइज में कुछ ऐसे दिख रही है। मैं डिव की जो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, अभी मैंने इसको कर दिया 600। ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पर इसका साइज जो है कम करके दिखाता हूँ आपको। पहले पिक्सल में बैकग्राउंड, और यहाँ मैंने कहा सिंपल 150 पिक्सल। मैंने इसमें एक ही वैल्यू दी तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लग जाएगी, हाइट और वेट पे दोनों पे। ये देखिए सेम, ये देखिए लग गई उस पर। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं उसमें दे दूंगा जैसे 300 पिक्सल। अब हाइट जो है वो बढ़ गई 300 पिक्सल, और ये आपका एक्स एक्सिस मतलब कि विड्थ है, और ये हाइट बढ़ गई इसमें 300 पिक्सल। अब इसमें अलग अलग विड्थ दे के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दी 600 पिक्सल, और ये देखिए ये ऐसे स्ट्रेच होगी इमेज। आप जैसे मर्जी दे सकते हैं, आप इसे परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिए सिंपल 20%। अब ये हाइट और वेट दोनों 20% हो जाएंगे। ये देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा दे के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ दिया 50, तो ये देखिए इस डिव का इसने 50% ले लिया हाइट और वेट दोनों ने। मगर अगर मैं कहूँ वेट 50% और हाइट 20%, तो यहाँ देखिए ये ऐसे इमेज ऐसे स्ट्रेच हुई है, थोड़ी सी डिसऑर्ट हो गई, ख़राब हो गई है। अब मैं जो आपको ये इमेज है उसमें जो इसकी प्रीडिफाइंड वैल्यू है कवर, वो देके दिखाता हूँ। जब मैंने कवर किया तो ये क्या करती है कवर, ये पूरे इस डिव को कवर कर लेगी। फ्रेश करता हूँ पेज को, ये देखिए इमेज बाहर भी चली गई है, पूरी नहीं आई है, इसमें फिट नहीं हुई है, मगर इसने पूरा जो डिव था जो भी जिसके अंदर भी लगाएंगे हम, चाहे बॉडी में लगाएं कहीं पर भी लगाएं, पूरा उसको कवर कर लेगी। तो ये है कवर। एक इसकी प्रॉपर्टी है कंटेन, कंटेन जो है वो उसमें कवर नहीं करती है, मगर पूरी की पूरी इमेज हाइट और विड्थ वाइज अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है उस डिव में या जहाँ पर भी हम लगाएंगे इसे। ये देखिए, ये उसने अपनी हाइट जो है पूरी यहाँ तक वर्टिकली एडजस्ट करने की कोशिश की है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली नहीं हो पाई है, मगर ये अपने आप को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती है प्रोपोर्शनली जहाँ तक भी ये हो सके। इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है ऑटो, ऑटो तो आप दो ना दो एक ही बात होती है। ये देखिए मैंने ऑटो दिया, और जितनी इसकी एक्चुअल हाइट और विड्थ होगी उतनी ही आएगी। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तभी ये इतनी ही दिखाएगा। ये देखिए मैंने प्रॉपर्टी को कट कर दिया, सेव किया फाइल को, और ये देखिए अभी भी उतना ही दिखा रहा है। तो ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ऑटो। आप इसमें अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कवर कंटेन वगैरह करके, जैसे मैंने दे दिया कवर तो ये इसने पूरा डिव को कवर कर लिया। तो एक मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया ये CSS 3.0 वर्जन में आई है, तो ये प्रॉपर्टी हो सकता है पुराने ब्राउज़र सपोर्ट ना करे, तो उनके लिए प्रीफिक्स आते हैं। जैसे कि आप मोजीला और क्रोम के अगर पुराने ब्राउज़र्स पे पुराने वर्जन्स पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाएंगे। अगर आप मोजीला फायरफॉक्स पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रीफिक्स है मॉस, और यहाँ पर मैंने यही प्रॉपर्टी कॉपी करके -mouse -background size, और अगर मैं यही क्रोम के लिए लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लिखूँगा
हाइफ़न वेबकिट हाइफ़न, ये देखिए। तो अभी हमारा वर्ज़न तो अपडेटेड वर्ज़न है, अगर किसी का पुराना होगा तो उस पे भी ये सपोर्ट करने लगेगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।